गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने पिछले एक्सरसाइज 2.2 पिछले वीडियो में हमने 2.2 में कुछ पांच एग्जांपल करवाए थे। आज हम उसे आगे एग्जांपल जो छठा एग्जांपल उसे स्टार्ट करेंगे। तो छठा एग्जांपल आपका दिया हुआ है, उसमें थ्री कंसेक्यूटिव इंटीग्रल्स एड अप टू 51। व्हाट आर दिस इंटीग्रल्स? इसका मीनिंग ऐसा होता है कि हमें तीन क्रमिक से हमें कुछ संख्या लेनी है कि तीन क्रमिक संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए, 51 होना चाहिए। तो वह संख्या कौन कौन सी हमें यह ज्ञात करनी है। तो हमें वहां पे सिक्स एग्जांपल में दिया हुआ है, थ्री कंसिस्टिंग एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। पहला तीन क्रमिक संख्या, तीन नंबर्स। फर्स्ट आएगा आपका x, सेकंड आएगा x प्लस वन। क्रमिक मतलब क्या, एक बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने 15 लिया, उससे क्रमिक उससे आगे वाली संख्या क्या आएगी, 16। 16 मतलब किसे 15 में एक प्लस करने के बाद। तो उसी तरह हमें क्या करना है, इसमें x प्लस वन। अब 17 मतलब 15 में दो प्लस किए तब आए, तीनों का मिला के जोड़ कितना है, सम 51। तो कितने एक्स में, इसमें एक दो तीन, एक और दो कितना हुआ, तीन। प्लस से भाग जाते हो, थ्री एक्स इज इक्वल 51 में से थ्री गए 40। तीन गुना भाग जाते हो भाग में, तीन से अगर हम भाग देंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, 16। एक्स बराबर 16 आया तो आगे वाली संख्या क्या आएगी, एक्स प्लस वन 16 प्लस वन 17, एक्स प्लस टू 16 प्लस टू 18। ध्यान दीजिएगा 16 17 18 क्रम में आते बराबर। आप अगर देखते हो कोई नंबर्स में तो 16 17 18 कैसे आता है, क्रम में आता। तो तीनों का जोड़ करोगे आप तो कितना आना चाहिए, 51। जैसे कि 16 और 17 का जोड़ करेंगे तो 33 आएगा, 33 में 8 प्लस करोगे तो 41 और 10 बाकी रहा मतलब 51, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 आपको दिया हुआ है बेटा, उसमें कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। देखो 8 के ऐसे क्रमिक 8 का जो गुणांक होंगे वह हमें लेने हैं और सभी का प्लस कितना होना चाहिए, 8888 8 के क्रमिक गुणा। अब 8 के क्रमिक गुणा मतलब पहले लिया हमने x बराबर, दूसरा आएगा उसमें x प्लस 8, तीसरा आएगा x प्लस 16 बराबर। जैसे हम जानते हैं कि 8 में अगर हम प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे 8 हुआ तो यहाँ पे 8 और 8 कितना हो गया 16, 8 और 16 कितना आ गया 24। 8 के गुणांक आते 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 बराबर। तो इस तरह यहां पे इस तरह संख्या लेनी है, इस संख्या को क्या कहेंगे हम, कंसेक्यूटिव इंटीग्रल्स। नंबर्स मतलब क्रमिक नंबर, मतलब क्या हुआ, क्रमिक। तीन क्रमिक नंबर्स x, x प्लस 8, x प्लस 16, इन तीनों का जोड़, तीनों का जोड़ 888। 16 2 24, x x x कितने x हुए, 3x। 24 प्लस से भाग जाते हो माइनस, 24 अगर माइनस किया तो कितना आएगा, 864। तीन गुना है भाग जाते हो बाद में, तीन से अगर भाग देंगे हम तो कितना आएगा देख लीजिए, तीन गुना दो छः, दो बचा तीन आठ चौबीस, दो बचा तीन आठ चौबीस मतलब एक्स बराबर कितना है, 288। अब आगे क्या आएगा, एक्स प्लस एट, 288 प्लस एट कितना हुआ,
296, x प्लस 16, 288 प्लस 16, 304। तो इस तरह आपको सातवां एग्जांपल दिया हुआ है, सातवां एग्जांपल इस तरह करना है आपको। थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स एट के गुणा लेने, तो पहले हमने x माना, दूसरे में x प्लस 8 आएगा क्योंकि 8 में 8 प्लस करेंगे तो 16 आएगा, 8 में 16 प्लस करेंगे तो 24 आएगा। मतलब कि 8 का गुणा मतलब 8 का टेबल आना चाहिए, उस तरह से आपको आगे जीरो का जोड़ दिया हुआ है 888, फिर आगे आपको जोड़ करके गुणा और भाग करना है और नंबर मिलेगा आपको। उदाहरण नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 आपको दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 पे क्या दिया है देख लीजिए। थ्री कंसेक्यूटिव इंटरवल्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर n मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। फाइंड दिस नंबर्स। देखो आपको क्या दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में आपको तीन क्रमिक नंबर दिए हुए हैं और तीनों क्रमिक नंबरों को आपको क्या करना है, 2 3 4 से गुणा करना है, मतलब कि क्रम से गुणा करना है बराबर। जो बढ़ता जाएगा उसको दो से, मतलब कि पहली जो लास्ट वाली स्मॉल संख्या रहेगी बराबर छोटी संख्या रहेगी उसको दो से, उससे बड़ी होगी उससे तीन से, उससे बड़ी होगी उससे चार से गुणा करके आपको क्या करना है, तीनों का जोड़ करके 74 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है ये हमें ज्ञात करना है। चलो पहली संख्या हम लेंगे 1 और x प्लस 2, ठीक है। अब इनको क्या करना है, 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल 2x, x प्लस 1 फिर से मल्टीप्लाई 3 इनटू x, फिर x, फिर 1 जो 3, 4 से मल्टीप्लाई x प्लस 2 4x, 4 2 जो 8, तो तीनों का जोड़ 2x plus 3x plus 3 plus 4x plus 8 is equal to 974। 2, 3 और 4 कितना हुआ 9x, 3 और 8 11, 11 प्लस से बाहर आते हो क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद x प्लस 1, 7 प्लस 1 इज इक्वल 8, x प्लस 2, 7 प्लस 2 इज इक्वल 9। ध्यान दीजिएगा तीनों को हमें 2 3 4 से गुणा करना, 7 गुणा 2 हो गया 14, 8 गुणा 3 हो गया 24, 9 गुणा 4 हो गया 36, 4 और 4 8 और 6 14, 1 3 और 1 4, 2 6 और 1 7 आया 74। इस तरह आपको एग्जांपल नंबर 8 दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7, फॉर इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 इयर्स, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। चलो प्रेजेंट एज देख लेते हैं, किसका किसका है, राहुल और हरुण। राहुल्स एज एंड हरुण एज इज इक्वल, रेशियो दिया है, रेशियो अगर दिया जाता है, प्रमाण अगर दिया जाता है तो उसके हमने क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं। क्या रेशियो दिया है, 5:7, मतलब कि 5x और 7x, और दिया है हमें कि 4 इयर्स, कितने इयर्स, 4 इयर्स लेटर
चार साल बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी चार साल, और इसके क्या आएगी 7x+4। ठीक है, और आगे दिया है कि दोनों का जोड़ कितना है 56, सम माइनस 56 में से एड दे 48 गुना है, बाहर जाते हो आप भाग में 12 से भाग देंगे x=4। अब x=4 आ रहा है तो राहुल एज क्या आएगी, फाइव एक्स फाइव मल्टीप्लाई फोर ट्वेंटी सेवन एक्स सेवन मल्टीप्लाई फोर ट्वेंटी। देखो चार साल बाद दोनों की आयु इतनी 56 आनी चाहिए, तो 56 होती है कि नहीं देख लेते। चार साल बाद 20 साल का है, चार साल बाद कितनी हो जाएगी 24। 28 साल का है, चार साल बाद कितनी हो जाएगी 32। 32 और 24 कितना होता है 56, मतलब कि चार साल बाद दोनों की आयु का जोड़ कितना हो जाएगा 56 ईयर हो जाएगा। इसी तरह आपको 9 एग्जाम्पल करवाया गया। अब हम आगे एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 10 में, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज एट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। बॉयज मतलब कि हमें कुल लड़के और लड़कियां क्लास में बराबर दिए हुए, उनकी संख्या कुल पता नहीं है, लेकिन यदि है कि 7:5 ये प्रमाण में वह संख्या दी गई। ठीक है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करने की कितनी संख्या हो सकती है। चलो बॉयज दिया हुआ है, रेशियो मतलब कि एक्स लगाना है 7x, गर्ल्स 5x, और कहा गया है कि बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से 8+ है, 8 से ज्यादा है, मोर देन, देखो दिया है मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स की संख्या से 8 ज्यादा है। किसकी संख्या से ज्यादा है, जिनकी संख्या से ज्यादा होगा वहां पे प्लस एड करना है। ठीक है, 5x+ है यहाँ तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7x-5x 2x, 2 गुना है बाद तो भाग में 2 से भाग देंगे x=4। तो बॉयज कितने मिलेंगे 7x 7×4 28, गर्ल्स 5x 5×4 20। देखो दिया है हमें कि गर्ल्स की संख्या से बॉयज की संख्या 8 ज्यादा है, 20 से 28 8 ज्यादा हो गए। तो इस तरह आपको एग्जांपल नंबर 10 दिया हुआ है। 11 नंबर, भरत फादर इज 26 ईयर यंगर देन भरत ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन भरत, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। ध्यान दीजिएगा, भरत के फादर जो है वह उससे भरत से क्या है 26 साल बड़े हैं, यंगर मींस 26 साल बड़े। देन भरत ग्रैंडफादर 29 इयर्स ओल्डर, भरत के जो दादाजी है उनसे क्या है 29 इयर्स छोटे। तो इन तीनों का जोड़ कितना होगा,
भरत एस इज इक्वल एक्स, भरत फादर सेज इज इक्वल भरत से कहे 26 साल बड़े एक्स प्लस 26, भरत ग्रैंडफादर क्या है ध्यान दीजिएगा, भरत फादर इज 26 इयर्स यंगर देन भरत ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन भरत। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आएगा भरत फादर एज, मतलब भरत के पिताजी की उम्र कितनी है एक्स माना, भरत ग्रैंडफादर एक्स प्लस 26 और भरत एक्स एक्स माइनस 29। ध्यान दीजिएगा माइनस क्यों किया, क्योंकि अगर पिताजी की उम्र से छोटा कौन होता है उनका लड़का, ठीक है पिताजी की उम्र से छोटा उनका लड़का होता है, अगर पिताजी की उम्र हमने एक्स मानी है तो 29 ईयर ओल्डर, ओल्डर मीन्स कि बूढ़े होंगे 29 साल, बड़े होंगे तो 29 साल उसमें से कम कर देंगे हम पिताजी की उम्र में से, समझ लो कि 50 साल के कौन है उसके फादर पिताजी, अब 29 इयर्स मतलब कि 29 साल वो बड़े, समझ लो 30 साल बड़े, तो 30 साल अगर बड़े होंगे तो कितने साल का होगा 20 साल, तो 50 में से हमने 30 साल माइनस किए बराबर, तो तीनों का जोड़ कितना दिया हमें 135 ईयर्स, एक्स 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 कितना हो गया 3x, 26 प्लस में 29 माइनस में मतलब माइनस करेंगे 26 से 29 गए 3, बड़ी संख्या का सिंबल लगा दिया माइनस है बाहर जाते हो आप 3x इज इक्वल 135 और 3 138, 3 गुना बाहर जाते हो बाद में 3 से गुना करेंगे 3 4 12 3 6 18, मतलब कि उसके फादर की फादर्स एज इज इक्वल 46 इयर्स, ग्रैंडफादर से इज Years. और भरत एज 46 माइनस 29 इज इक्वल 17 इयर्स, मतलब कि उसके पिताजी की उम्र 46 साल, उसके दादाजी की उम्र 72 साल और भरत की उम्र आएगी 17 साल, इन तीनों का जोड़ अगर आप करते हो तो तीनों का जोड़ करने पर आपको कितना मिलेगा 135 मिलेगा। इस तरह आपको एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है, आज हम एग्जाम्पल नंबर 12 आगे देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12 13 14 15 और 16 ये पांच एग्जाम्पल हमारे बाकी, पांचों एग्जाम्पल हमें देख के फिर आगे जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो रहेगा कि ये सारे जितने एग्जाम्पल में करवा रहा हूँ सभी एग्जाम्पल आपको नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे लिख लेने नोटबुक में, ठीक है।
एग्जांपल नंबर 12 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रविश एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। देखो प्रेजेंट एज हम उसको देख लेते हैं एक्स, रवि की उम्र रवि की आयु एक्स मान लिया 15 साल का 15 इयर्स ओल्ड क्या दिया है पंद्रह साल में क्या होगा 15 साल बढ़ जाएंगे है ना। तो जो 15 साल के बाद जो आयु मिली है वह आयु उसकी क्या है जो प्रेजेंट एज है उससे 4 गुनी है। तो 15 प्लस एक्स इज इक्वल क्या है भी 4x, यह उम्र से यह 4 गुना है ठीक है। एक्स प्लस एवा जाते क्या हो जाएगा माइनस 4x माइनस एक्स 3x मल्टीप्लाई आ जाते हो x इज इक्वल 5 मतलब उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी 5 इयर्स कितनी होगी 5 इयर्स देन 15 साल बाद कितना हो जाएगा 20 साल। अब वहां का है 20 साल यह उसकी प्रेजेंट इयर्स से 4 गुना है तो 5 गुना 4 करोगे तो भी 20 आएगा ठीक है। तो उसकी आयु प्रेजेंट एज से क्या हो गई 15 साल बाद 4 गुना हो गई। एग्जांपल नंबर 14 अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई रेशनल नंबर हमें पता नहीं है रेशनल नंबर हम x मान लेते हैं मल्टीप्लाई व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन 2 एंड एड 2 अपॉन 3 टू द प्रोडक्ट मतलब कि गुणा करने के बाद जो जवाब आएगा उसमें क्या करना है हमें 2 अपॉन 3 प्लस कर देना है और जो जवाब आएगा वह रहेगा आपका माइनस 7 अपॉन 12 ठीक है माइनस 7 अपॉन 12 पहले गुणा कर लेते 5 टेक्स 5x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस से बाहर जाते हो माइनस अब दोनों माइनस है लेकिन दोनों माइनस हो या प्लस हो हमें क्या करना होता है जोड़ या घटाने घट करने पर हर घटाने पर हमें दोनों का हर मतलब कि नीचे वाली संख्या दोनों समान होनी चाहिए। यहाँ पे 12 दिया है 3 के टेबल में 12 आता है हाँ कितने नंबर पे 4 तो 4 से यहाँ पे ऊपर और नीचे गुणा 5x माइनस 7 4 टू 8 नीचे आ जाएगा 5x माइनस 7 और माइनस 8 दोनों माइनस है तो दोनों का प्लस होगा 7 और 8 कितना हो गया माइनस 15 5 गुना है भाग जाते हो भाग में। अब आपने तो बोला सर भाग में आएगा आपने तो बोला नहीं वो भाग किसका है 15 के भाग में आएगा 12 के साथ में क्या होगा वो 12 ऑलरेडी 15 के भाग में इसलिए वो दोनों का गुणा हो जाए तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 x बराबर माइनस 3 अपॉन 12 आएगा वापस फिर से हम क्या करेंगे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 के टेबल में 12 आता है 4 नंबर पे तो x इज इक्वल माइनस 1 अपॉन 4 यह आपका रेशनल नंबर रहेगा। तो इस तरह आपके 12 और 13 नंबर के एग्जांपल थे वह एग्जांपल आपके हो चुके हैं। अब हम 14 नंबर का एग्जांपल देखेंगे 14 नंबर के एग्जांपल में आपको दिया क्या है यह देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 14 दिया आपको लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक लक्ष्मी कौन है बैंक में कैशियर सी इज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपए 100 रुपए 50 एंड रुपए 10 रिस्पेक्टिवली
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नॉट्स इज ध्यान दीजिएगा रुपए 10 नॉट्स नॉट्स ऑफ रुपए 100 नॉट्स ऑफ रुपए 50 नॉट्स ऑफ रुपए 10 रेशियो दिया हुआ है आप लोगों को रेशियो में ये 2x 3x और 5x ठीक है द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख हाउ मेनी नोट्स ऑफ इज डिनोमिनेशन डस सी लीव सी हाउ ध्यान दीजिए बेटा कि आप लोगों को कुल रकम अब जैसे कि 100 रुपए का जो नोट है वह 2x तो नोट जैसे आता है आपके पास ध्यान दीजिए जैसे कि आपके पास 100 रुपए की नोट है कितनी 5 कितने रुपए हुए 500 100 गुना 5 करने पर आपको 500 मिले मतलब नोट गुना रुपए करने पर आपको रकम मिली रुपए मिले तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है यहाँ पे रुपए दिए हुए दोनों का गुना करोगे तो आपके रुपए मिल जाए बराबर 100 गुना 2 200 हो गए 50 गुना 3 150 हो गए 10 गुना 5 50 हो गए अब ये सारे रुपए मिला के हम उसके पास कितने थे 4 लाख कितने 4 लाख 100 रुपए का नोट 50 रुपए का नोट 20 रुपए का नोट 2x 3x 5x किया अगर दोनों को गुणा करेंगे तो हमें 100 रुपए के नोट की कितनी रकम है वह रकम मिल जाएगी अभी हमें मिला है 201 रुपए इन सभी को हमें क्या कर देना है प्लस कर देना है तो हमें कितने रुपए मिलेंगे टोटल 4 लाख रुपए कितने 4 200x 150x 150x कितने हो गए 400x 400 गुना है बाहर जाते हो क्या हो जाएगा बाद में 0000 4 से काटा कितना बचा है इसका बराबर 1000 अब जैसे हमारे पास 100 रुपए की नोट 50 रुपए की नोट और 10 रुपए की नोट कितनी थी 2x 2 गुना x का मान मिला 1000 कितना हुआ 2000 3x 3 गुना 1000 कितना हुआ 3000 5x 5 गुना 1000 कितना हुआ 5000 मतलब कि 100 रुपए की नोट कितनी होगी 2000 रुपए होगी 50 रुपए की नोट 3000 10 रुपए की नोट कितनी होगी 5000 इस तरह आपको एग्जांपल नंबर 14 यहाँ पे दिया हुआ है अभी हम एग्जांपल नंबर 15 लेंगे ध्यान देना है एग्जांपल नंबर 15 पे आई हैव टोटल ऑफ रुपए 300 इन कॉइंस ऑफ डेनोमिनेशन रुपए 1 2 एंड 5 द नंबर ऑफ रुपए 2 कॉइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपए 5 कॉइंस ध्यान दीजिएगा कॉइंस ऑफ रुपए 1 कॉइंस ऑफ रुपए 2 कॉइंस ऑफ रुपए 5 एक रुपए का सिक्का दो रुपए का सिक्का और पांच रुपए का सिक्का देन आई हैव अ टोटल ऑफ रुपए 300 इन जो पिछला एग्जांपल किया उसी तरह दिया यहां पे द नंबर ऑफ टू कॉइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फाइव कॉइंस मतलब कि पांच
रुपए का जो सिक्का है उसको हमने एक्स मान लिया और उस सिक्के के तीन टाइम क्या है कॉइंस ऑफ टू। ठीक है, अब आगे द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस इज 160। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइंस कितने हैं 160। अगर ये 3x और x हो गए 4x, 160 में से हम अगर 4x माइनस करेंगे तो हमें 1 रुपए का सिक्का मिल जाएगा। समझ लो कि 50 सिक्के और 30 सिक्के हमें 50 सिक्के और 30 सिक्के हमें 2 और 5 के दिए हैं। टोटल सिक्के कितने 160, 50 और 30 कितने हुए 80 सिक्के हुए। तो बाकी बचे 80 सिक्के किसके हो गए रुपए 1 के। तो इस तरह हमें यहाँ पे माइनस कर दिया। अब आगे जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में किया 100 रुपए हमने गुणा किया था नोट से, उसी तरह यहाँ पे भी हमें क्या करना है 1 रुपए, 2 रुपए और 5। ठीक है, 1 रुपए आएगा तो क्या आएगा, 1 के साथ में गुणा होगा 160 माइनस 4x। उसी हिसाब से 2 रुपए से करेंगे तो क्या आएगा 2 3 6x और 5 रुपए का आएगा x गुणा 5 5। तो तीनों मिला के तीनों का जोड़ कितना दिया हमें 300। एक सौ साठ प्लस से बाहर जाते हो माइनस 5 और 6 हुए 11, 11 से 4 गए 7, 300 में से 160 गए 140, 7 गुना में बाहर जाते हो भाग में x बराबर 20। मतलब कि 1 रुपए का सिक्का दो रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के कितने आएंगे 20। दो रुपए के लिए कितने आएंगे 3 गुना x दिया हुआ है 3 गुना 20 कितना हुआ 60। तो बचे कितने 1 रुपए वाले 160 में से 4x माइनस करना है, मतलब 160 माइनस 4 इंटू 20 कितना आएंगे 80। 160 में से 4 गुना 20 कितना हुआ 80। 160 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 80। तो इस तरह आपको 50 नंबर का एग्जांपल आपको दिया हुआ है। अब एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट एग्जांपल हमारा 16 नंबर का एग्जांपल है, वह देख रहे हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 16 सबसे लास्ट वाला एग्जाम्पल है आपका। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइडेड दैट अ विनर द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपए 100। विनर के लिए प्राइज कितना है, विनर प्राइज 100। तो जीतने वाले उनके लिए 100 रुपए। पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज। जो हार जाने वाले हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन हार जा रहे हैं उनके लिए 25 बराबर। उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है अभी द टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इज 63। अब टोटल रुपए कितने में डाल दिए 3000। अब विनर जो पार्टिसिपेट है विनर पार्टिसिपेट जो विजेता होंगे विजेता को की संख्या हम x मान लेते
और विजेता न हो जाओ टोटल है। जैसे कि 50 बच्चों ने अगर पार्टिसिपेट किया है उसमें से अगर 30 बच्चे विजेता हो रहे तो बाकी कितने बचे 20, उसको क्या करेंगे हम 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह 63 में से हमने x माइनस कर दिया, वो विजेता न होने वाले बच्चों की संख्या है। तो हमें x इतनी संख्याओं को 100 रुपए देने हैं विनर प्राइस 100x बराबर और लूजर प्राइस 25 रुपए है। तो टोटल जो है 25 गुना अगर हम 63 करेंगे तो 15,075 यहां तक रकम आएगी। 157 माइनस 25x। अब ये तीनों दोनों मिला के हमारे पास 3000 होते हैं। 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल 3000 होते हैं। 100 में से 25 गए 75 प्लस माइनस 75x इज इक्वल, अगर 3000 में से 1575 माइनस करेंगे तो 1425 रुपए बचेंगे। गुना में पास जाते हो माइनस करेंगे, सॉरी भाग 25 से उसको भाग देंगे, 25 गुना 3 करेंगे तो 75 और 25 1425 को हमें 25 से भाग देना है। 25 5 125 आएगा, 142 में से 125 गए 17 और 25 7 175 कितना आएंगे 57। 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 3 = 27 मतलब कि x बराबर 19। तो विनर पार्टिसिपेट नंबर ऑफ विनर्स 19। इस तरह आपको एग्जांपल नंबर 16 एक्सरसाइज 2.2 जहाँ पे आपका कंप्लीट होता है बराबर एग्जांपल नंबर 16 तक मैंने आपको करवा दिया है। उनको आपको क्या करना है नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है, नोटबुक में आपको लिख लेना है और जब भी सेकंड टाइम में आपको नोटबुक चेक करने के लिए बुलाया जाएगा तब आपको नोटबुक चेक करने के लिए स्कूल में आके आपकी मैथ्स की नोटबुक मेरी तरफ से चेक करवा लेनी है। एक्सरसाइज 2.2 में पहले से लेके 16 एग्जाम्पल तक मैंने पूरा आपको लिखवा दिया है, करवा दिया है, आपको खाली उसकी प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, धन्यवाद।